उड़ी धज्जियां, गरीबों को लंच का पैकेट बांटने के दौरान बेकाबू हुई थी। बिहार के मोतिहारी में 3 महीने का राशन नहीं मिलने से लोगों में गुस्सा, राशन डीलर का घेरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले लड़कों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। कोरोना के चलते मुरादाबाद में स्कूल कॉलेज में बनाए गए 10 शेल्टर होम, अभी तक 4 शेल्टर होम, 197 लोग मौजूद। नगर में 7 फेरे के बाद थाने पहुंचे दूल्हा दुल्हन, धारा 144 तोड़ने का। बनासकांठा में कंटेनर में छुप कर जा रहे 36 लोग पकड़े गए, पुलिस ने स्कूल में बने आइसोलेशन कैंप में रखा। आगरा में कैंसर पीड़ित बुजुर्ग का परिवार परेशान, जयपुर में चल रहा था इलाज। बिहार के छपरा में आइसोलेशन कैंप जा रहे डॉक्टर ने दारोगा पर लगाया पिटाई का आरोप, आई कार्ड दिखाने पर दी गाली। गांव के मुखिया ने थाने जाकर डॉक्टर को छुड़वाया, आरोपी पुलिसकर्मी ने लंबित। अकोला में शिवसेना की ओर से किया रक्तदान शिविर का आयोजन, कोरोना संकट को देखते हुए की अपील। उस्मानाबाद जिले में सामने आए कोरोना के पॉजिटिव केस, एक दिल्ली से और दूसरा मुंबई से पहुंचा था अपने गांव। यूपी के शामली में किन्नर बने गरीबों के मददगार, लॉकडाउन में बांट रहे राशन। हैदराबाद में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश, एक समाज सेवी ने कोरोना राक्षस का रूप बनाया। बद्रीनाथ में फिर शुरू हुई बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में गिरा तापमान। लगातार 2 दिन से गिर रही है बर्फ, 0 से नीचे रुक का बर्फ। एक दिन की सैलरी, पीएम केयर्स फंड में देंगे एपीएल अपोलो के कर्मचारी, कोरोना वायरस के जंग में मदद के लिए आए साथ। किया मोटर्स फिर बनी देश की सबसे बड़ी कंपनी, सेल्टॉस बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी। नॉन होम डेवलपर्स कर रहे हैं मजदूरों के रहने खाने का इंतजाम, एबीए कॉप ने 1450 लोगों के तीनों वक्त खाने और रहने की उठाई जिम्मेदारी। दुनिया में हर पर बढ़ा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 50,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका पर लगातार कस रहा है कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अमेरिका में मेडिकल सामानों की कमी, इमरजेंसी के लिए रखे मास्क और ग्लव्स भी खत्म। संकट की घड़ी में अमेरिका ने रूस से खरीदे वेंटिलेटर्स, मास्क और ग्लव्स, 60 मेडिकल इमरजेंसी वाले सामान लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा रूसी थे। फ्लोरिडा के गवर्नर ने जारी किया घर पर रहने का आदेश, कहा 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में जारी रहेगी पाबंदी। फ्रांस में 4,000 से पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 510 लोगों की गई जान। दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे रूस के करीब 25,000 नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी की वजह से बड़ी मुश्किल। कोरोना संकट के बीच उत्तर कोरिया का बड़ा दावा, कहा देश में नहीं है जानलेवा वायरस के एक भी मरीज। बेंजामिन नेतन्याहू का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव निकले इसराइल के स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना संकट से निपटने के लिए इसराइल में सेना की तैनाती, फिलिस्तीन से लगती सीमा सील। ऑस्ट्रेलिया में 5,000 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, न्यू साउथ वेल्स ने किया 3 महीने के लॉकडाउन का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने शुरू की कोरोना के वैक्सीन की टेस्टिंग, 3 महीने बाद ही सामने आएंगे नतीजे। कोरोना संकट के बाद पहली बार अगले हफ्ते होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, महामारी को लेकर होगी बात बची। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर लगाया आंकड़े छिपाने का आरोप, कहा दुनिया को नहीं हो रहा भरोसा। पाकिस्तान में जारी है कोरोना वायरस की वजह से तबाही, 2100 से ज्यादा लोगों में संक्रमण, सिंध प्रांत में लॉकडाउन का ऐलान। सिंगापुर में अब तक 4 लोगों की जिंदगी ले चुका है कोरोना, करीब 1,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। दक्षिण कोरिया में जारी है कोरोना का संक्रमण, करीब 10,000 लोगों में बीमारी की पुष्टि। लाटिन अमेरिकी देश पेरू में कोरोना की वजह से 47 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,300 से ज्यादा लोगों में संक्रमण, पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान। कई डॉक्टरों का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया दौरा, अर्थव्यवस्था की मजबूती का दिया संदेश। कोरोना संकट के बीच चिले की एक कंपनी की अनूठी पहल, तांबे से तैयार किया बार बार इस्तेमाल होने वाला फेस मास्क। लॉकडाउन के दौरान मैनचेस्टर में बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं स्पाइडरमैन,
कसरत के दौरान स्पाइडरमैन के ड्रेस में नजर आते हैं दो युवक। अमेरिका के इडाहो में कैमरे में कैद हुए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता।